हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हुंडई इलाइट i20, टाटा एल्ट्रोज और मारुति सुजुकी बैलेनो के बीच में फुल डिटेल्स के साथ कंपेयर करने वाले हैं और इसका 360 डिग्री व्यू जो है यहाँ पे आपको दिखा भी दे रहे हैं। तो दोस्तों, इसका फुल कंपेयर शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी नीचे दिए हुए रेड सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे साइज से शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों लंबाई की बात की जाए तो हुंडई इलाइट i20 का लंबाई है 3985 मिलीमीटर। दोस्तों मारुति सुजुकी बैलेनो की लंबाई के बारे में बातें की जाए तो इसका जो लंबाई है 3995 मिलीमीटर और टाटा एल्ट्रोज का जो लंबाई है 3990 मिलीमीटर। तो यहाँ लंबाई के मामले में मारुति बैलेनो जो है विनर होता है। तो दोस्तों विड्थ यानी कि चौड़ाई की बात की जाए तो हुंडई इलाइट i20 का चौड़ाई है 1734 मिलीमीटर और मारुति सुजुकी बैलेनो की बात की जाए तो इसका जो चौड़ाई है 1745 मिलीमीटर, यानी कि i20 के मुकाबले में ज़्यादा चौड़ा है। और टाटा एल्ट्रोज के चौड़ाई के बारे में बात की जाए तो इसका जो चौड़ाई है ये दोनों से ही ज़्यादा है, 1755 मिलीमीटर। तो विड्थ के मामले में टाटा एल्ट्रोज जो है विनर होता है। तो दोस्तों हाइट यानी ऊँचाई की बात की जाए तो हुंडई इलाइट i20 का जो ऊंचाई है 1505 मिलीमीटर, मारुति सुजुकी बैलेनो की बात की जाए तो बैलेनो का जो ऊंचाई है 1510 मिलीमीटर। तो दोस्तों टाटा एल्ट्रोज का जो ऊंचाई है 1523 मिलीमीटर। तो ऊंचाई के मामले में भी टाटा एल्ट्रोज जो है विनर होता है, यानी कि दोस्तों ओवरऑल साइज के मामले में टाटा एल्ट्रोज विनर होता है। तो दोस्तों इसका ऊपर से हम व्यू देख लेते हैं। ये हुंडई इलाइट i20 का व्यू है और ये रहा मारुति सुजुकी बैलेनो का व्यू। ऊपर का जो टॉप व्यू है ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ और ये रहा टाटा एल्ट्रोज का व्यू। तो इस सभी व्यू में टाटा एल्ट्रोज का व्यू जो है ज़्यादा अच्छा लगता है दिखने में। इंटीरियर की बात की जाए तो दोस्तों ये i20 का इंटीरियर है जो दिखने में काफ़ी बेहतरीन है और इसमें आपको स्टेयरिंग माउंटेन कंट्रोल आपको यहाँ पर दिए गए हैं और ड्राइवर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले और यहाँ पर आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दे दिया गया है। ओवरऑल इसका इंटीरियर लुक काफ़ी अच्छा है और आपको इसमें एयर कंडीशन, हीटर जैसे नॉर्मल फीचर जो है आपको मिलते हैं। साथ में इसके सीटिंग की बात की जाए तो 5 सीटर ऑप्शन के साथ में ये मिलता है, सीट काफ़ी कंफर्टेबल है और इसमें आपको पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज जैसे फीचर्स दिए गए हैं और कई सारे एक्स्ट्रा फीचर भी आपको मिलते हैं। 12 वोल्ट का पावर आउटपुट सॉकेट और ये मैनुअल और AMT के साथ भी आ जाता है। तो दोस्तों मारुति सुजुकी बैलेनो के इंटीरियर की बात की जाए तो ये जो है इंटीरियर बैलेनो का, इसमें भी टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, ड्राइवर्स इंफॉर्मेशन डिस्प्ले दिया गया है, 5 सीटर ऑप्शन के साथ में ये मिलता है। इसका भी सीट अपने हिसाब से कंफर्टेबल है और आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल फीचर्स भी यहाँ पर मिल जाते हैं और इसमें दोस्तों ड्राइवर्स इंफॉर्मेशन डिस्प्ले भी दिया गया है। तीनों कार में ड्राइवर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले जो है दिया गया है। तो दोस्तों टाटा एल्ट्रोज के इंटीरियर के बारे में बातें करते हैं। इसका जो इंटीरियर कुछ इस तरह का है और ये भी काफ़ी अच्छा है और लुक काफ़ी अच्छा है इसका। इसमें आपको 5 सीटर सीटिंग ऑप्शन मिल जाता है, इसका भी सीट काफ़ी कंफर्टेबल है। अगर कंपेयर करें इन दोनों कारों से तो इसका जो हाइट है ज़्यादा है, इसलिए आपको इसमें ज़्यादा हेडरूम मिल जाएगा और इसमें भी आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है और इसमें आपको एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टिविटी का फीचर्स भी मिल जाता है। जैसा कि आपको इसमें स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल फीचर्स दिया गया है तो यहाँ पे लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में कंट्रोल बटन दिए गए हैं और आपको एयर कंडीशन, हीटर जैसे फीचर्स, नॉर्मल फीचर्स आपको मिलते हैं, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज जैसे फीचर्स मिलते हैं। तो दोस्तों चलिए बूट स्पेस की बात कर लेते हैं। बूट स्पेस की बात की जाए तो सबसे पहले हम हुंडई इलाइट i20 के बूट स्पेस की बात करते हैं। इसमें आपको 285 लीटर का बूट स्पेस मिला है और मारुति बैलेनो में आपको 339 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है। वहीं टाटा एल्ट्रोज में आपको 340 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। बूट स्पेस के मामले में भी टाटा एल्ट्रोज जो है विनर होता है। तो चलिए दोस्तों अब हम इन तीनों कार के इंजन डिटेल्स और माइलेज के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम इलाइट i20 के इंजन डिटेल्स और माइलेज के बारे में जानेंगे। दोस्तों इलाइट i20 में आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है जो BS4 है। इसका मैक्सिमम पावर जो है 83 BHP है। टर्क इसका 114 Nm का है। माइलेज इसका 18 से 19 किलोमीटर तक कंपनी क्लेम कर रही है। 5-स्पीड मैनुअल और CVT ट्रांसमिशन के साथ में यह आता है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे हम इन सभी कार के पेट्रोल इंजन वेरिएंट के बारे में ही बातें करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम मारुति सुजुकी बैलेनो के बारे में जान लेते हैं। मारुति सुजुकी बैलेनो में आपको दिया गया है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन। ये भी BS4 है। BS6 वेरियंट बहुत जल्द आने वाला है। इसका मैक्सिमम पावर 83 BHP। टर्क इसका 110 Nm का है और यहाँ पे दोस्तों इसका माइलेज जो है कंपनी 23 किलोमीटर तक क्लेम कर रही है। 5-स्पीड मैनुअल और AMT के साथ भी ये आता है। तो दोस्तों अब हम टाटा एल्ट्रोज के इंजन डिटेल्स और माइलेज के बारे में जान लेते हैं। टाटा एल्ट्रोज में आपको मिलेगा 1.2 लीटर का BS6 पेट्रोल इंजन और डीजल वेरिएंट के साथ में ये आने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका मैक्सिमम पावर 86 BHP होगा और मैक्सिमम टॉर्क इसका 114 Nm का होगा। माइलेज इसका कंपनी
फिलहाल तो ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ है, इसका अंदाज़ा लगाया जाता है कि 22 से 23 किलोमीटर तक हो सकता है। ये सिर्फ फिलहाल 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में लॉन्च होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे इंजन डिटेल्स के बारे में बातें की जाए तो टाटा एल्ट्रोज भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। तो चलिए दोस्तों प्राइस के बारे में जान लेते हैं। हुंडई इलाइट i20 का प्राइस 5.5 लाख रुपये से स्टार्ट होता है और मारुति सुजुकी बेलोना का प्राइस भी 5.5 लाख रुपये से स्टार्ट होता है। वहीं टाटा अल्ट्रोज का जो प्राइस है दोस्तों एक्सपेक्ट किया जाता है कि 5 लाख रुपये से स्टार्ट होगा। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।